सारे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन हैं सारे, वेयर दी सबक्लेविन आर्टरी इज कंटिन्यू एज एक्सिलरी आर्टरी एट द आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब. ओके, देन द थ्री पार्ट्स ऑफ द सबक्लेविन आर्टरी. द सबक्लेविन आर्टरी इट इज डिवाइडेड इन द फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट एंटीरियरली बाय दिस मसल. दिस इज नाउन एज स्केलिनस एंटीरियर मसल. ओके, सो फर्स्ट पार्ट it extends from the beginning of this, this is the brachiocephalic in on the right side. Okay, come. So this is the first part, from the beginning to the medial border of this scalenus anterior muscle. This is the medial border of scalenus muscle, this is lateral border of scalenus muscle. To kahan tak first part hai? Beginning se the medial border of scalenus anterior muscle. Then second part of this subclavian artery, it is behind the scalenus anterior. Okay, then third part, from its lateral border to the outer border of first rib, and from the outer border of first rib it will continue as axillary artery. Ye parts bata doge subclavian artery, there are three parts of the subclavian artery, from beginning to the medial border of scalenus anterior, then behind the scalenus anterior, that is the second part, and from the lateral border of scalenus anterior to the till the outer border of first rib, that is the third part of the subclavian artery. Okay, again see, now we can see the branches of subclavian artery in this diagram. See, this is the first part till from beginning to the till here. On the right side you will see the branches. So subclavian artery ki branches kaise remember rakhoge aap? Vitamin C D. क्या खाइए सभी ने? एस्कॉर्बिक एसिड इम्यूनिटी इंक्रीज करती है ना, विटामिन सी. सो विटामिन सी डी होल द ब्रांचेज ऑफ सबक्लेविन आर्टरी. कैसे? सी, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट द वर्टिब्रल आर्टरी ऑन बोथ साइड, वर्टिब्रल आर्टरी, देन थायरोसर्वाइकल ट्रंक एंड दिस इंटरनल थोरेसिक आर्टरी. तो यहां से तो हो गया विटामिन वी वर्टिब्रल आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक वी आई एंटी थायरोसर्वाइकल ट्रंक. ओके, देन फ्रॉम सेकेंड पार्ट दी कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक, तो विटामिन सी कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक फ्रॉम सेकेंड पार्ट. ओके, देन फ्रॉम दिस द थर्ड पार्ट, दैट इज द डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी, सो इट्स विटामिन सी डी. ओके, क्लियर? उस दिन एग्जाम में ये नहीं बोलना है सर सबक्लेविन आर्टरी की ब्रांचेस सर विटामिन सी डी, ये निमोनिक है तुम्हें याद रखने के लिए. ओके, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट द वर्टिब्रल आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, देन थायरोसर्वाइकल ट्रंक, फ्रॉम सेकेंड पार्ट कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक, एंड दी फ्रॉम द थर्ड पार्ट डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी. ओके, बट ऑन द लेफ्ट साइड सी द चेंजेस. From the first part, the vertebral artery, internal thoracic artery, then thyrocervical trunk and costocervical trunk. On left side, ये चार है, but second part से कुछ भी नहीं है. And on the third part, same, dorsal scapular artery. Okay? उस दिन तुमसे ये कोई नहीं पूछ रहा कि left and right, जिसको याद रहे ठीक है, otherwise the branches and the parts of subclavian artery. सबक्लेविन आर्टरी भी कई बार शॉर्ट नोट आ जाए, यूनिवर्सिटी के लिए तो कुछ भी है, तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट या छोटे टेस्ट के लिए तो फिक्स है कि ये बट यूनिवर्सिटी में तो कुछ भी आ सकता है. सबक्लेविन आर्टरी इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स. ओके, सो दीज आर द ब्रांचेस. नाउ अगेन रिवाइज दिस, द बिगिनिंग राइट सबक्लेविन आर्टरी ब्रांच ऑफ ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, देन लेफ्ट इट इज डायरेक्ट ब्रांच ऑफ आर्च ऑफ एयर्टा. ओके, नाउ टर्मिनेशन इट इज कंटिन्यू एज एक्सिलरी आर्टरी एट द आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब. ओके, देन पार्ट फर्स्ट पार्ट अप टू द मिडिल बॉर्डर ऑफ स्केलिनस एंटीरियर, सेकेंड पार्ट बिहाइंड स्केलिनस एंटीरियर, थर्ड पार्ट फ्रॉम लेटरल बॉर्डर ऑफ स्केलिनस एंटीरियर टू द आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब. सो दीज आर द थ्री पार्ट. ओके, ब्रांचेस ये सारी ब्रांचेस जितनी भी हैं, वर्टिब्रल आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, थायरोसर्वाइकल ट्रंक, ये किससे आ रही है? फर्स्ट पार्ट. देन
On the left side, costo-cervical trunk also the from first part, but on the right side, it is from the second part. Okay, then second part से costo-cervical trunk only on right side. Left side में तो first से ही है. Okay, then third part, dorsal scapular arteries. These are the branches. How you will remember? Vitamin C D. Now vertebral artery. Okay, vertebral artery, as you know, it's a branch of which part? First part. अभी पढ़ाया ना मैं, सोच रहा कि सोचोगे कहां से आ रही है. The vertebral artery is the branch of first part of subclavian artery. So it again it has the four parts. Again had it has the four parts. कैसे? This is the subclavian artery, first part of subclavian artery. From the beginning of first part of subclavian artery to the C6 foramen transversarium or the transverse process of the C6. This is the first part. Then in the all the foramina transversarium till the C1, this is the second part. जब भी क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हें सर्वाइकल वर्टिब्रीज के फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम में कौन सी आर्टरी होती है, वर्टिब्रल आर्टरी, एंड विच पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी, दैट इज द सेकंड पार्ट. ये ध्यान रखना, उसमें ये पूछते हैं कि विच पार्ट, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी. ओके, देन फ्रॉम दिस foramen transversarium of the C1 vertebra above on this arch of the C1 vertebra till the foramen magnum, that is the third part of vertebral artery, and inside the foramen magnum, and it will join from the opposite side of the vertebral artery at the level of lower border of pons. Brain stem padha aapne, padhenge aap, that is the midbrain, medulla, pons and medulla. तो पोन्स का जो लोअर बॉर्डर है वहां पे एक ग्रू होती है, बेसिलर ग्रू, उसमें जाकर के दोनों वर्टिब्रल आर्टरी दे विल कम लाइक दिस एंड दे विल जॉइन एंड फॉर्म बेसिलर आर्टरी. ओके, तो वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांचेस, सॉरी पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट फ्रॉम ओरिजिन टू दी C6 सर्वाइकल वर्टिब्रा. तो आपको यह बताना है कि C7 में देर इज नो आर्टरी ट्रेवर्स और दी पास थ्रू दी फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम ऑफ दी C7 सर्वाइकल वर्टिब्री. ये सर्वाइकल वर्टिब्री में तुमसे ऑस्टियोलॉजी में क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, जब तुम बताओगे कि इसमें वर्टिब्रल आर्टरी बोल दोगे. तो इट स्टार्ट फ्रॉम दी C6 फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम. ओके, सो फर्स्ट पार्ट फ्रॉम दी ओरिजिन टू दी C6, देन इन दी ऑल दी फोरामेना ट्रांसवर्सेरियम, दैट इज दी सेकेंड पार्ट. देन फ्रॉम फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम ऑफ दी दिस एटलस टिल दी फोरामेन मैग्नम, दैट इज दी थर्ड पार्ट. एंड from in the foramen magnum and at the lower border of pons, it will join opposite side of vertebral artery and form the basilar artery. Then in this basilar artery, it gives branches to be brain. ठीक है, ये same चीज है, मैंने already तुम्हें बता दी है. ठीक है, in the brain it gives these branches, spinal branches, muscular branches, meningeal branches, posterior spinal artery, anterior spinal artery, ठीक है, posterior inferior cerebellar artery, medullary branches. We will see these all branches when we will study the blood supply of brain. Okay, जब ही तुम्हें ये आएगा कि the brain it is supplied by internal carotid artery and vertebro basilar system. तो vertebro basilar system क्या है? These vertebral artery they join and form the basilar artery. So whole brain it is supplied by internal carotid and vertebro basilar system. ये यहीं से आएंगी फिर. Now there is one syndrome, that is the subclavian steel syndrome. Subclavian steel syndrome means इसमें क्या होता है कि sometimes the subclavian artery it is blocked by the thrombus proximal to the vertebral artery. When it gives the branch, vertebral artery देने से पहले ही यदि subclavian artery block हो गई तो क्या होगा, आगे ब्लड फ्लो नहीं होगा अपर लिम में. ठीक है, ओके, तो क्या होगा, ये अपना रास्ता दूसरा एक पाथवे ढूंढेगी उस साइड का सप्लाई कराने के लिए, तो कहां से ढूंढेगी, ये ब्रेन से ढूंढेगी. तो यहां से तो देखो सही है, यहां से ब्लड गया वर्टिब्रल आर्टरी में, ब्रेन को सप्लाई हुआ, लेकिन इधर हो गया ब्लॉक. ठीक है, तो लेफ्ट साइड में ब्लॉक है, तो क्या हुआ, अब इधर जाने के लिए ये क्या करती है, सबक्लेविन आर्टरी इधर से स्टील करती है ब्लड को, चुराती है उधर से खींचती है.
तो ब्रेन से यदि ब्लड सप्लाई खींचेगी तो ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम होगी, कम होगी तो कम होगी तो क्या होगा, देयर विल बी इश्मिक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। ओके, तो क्या हो रहा है, इस साइड में ये ले नहीं पा रही, इस साइड में आगे फ्लो था नहीं, तो ब्रेन से ये लेती है देन अपर लिम में भेजती है, तो इट इज स्टीलिंग द ब्लड फ्रॉम द ब्रेन एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी इश्मिक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। ओके, दिस इज द सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम। आई नो यू ऑल आर इन द टेस्ट मूड, नीचे किताबें चल रही हैं, मोबाइल चल रहे हैं, कोई बात नहीं, जिसको सुनना है सुन लो बट साइलेंटली। ओके, बट ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें जब याद आएगा जब इसकी बारी आएगी, इन ऑल प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल में जब तुम्हें ये सारी सारी चीजें, ये क्या ये क्या, ये मैं सारी बता रहा हूं अभी, मैं भी तुम्हारा फोकस नहीं है अभी, ठीक है, बट चुपचाप साइलेंटली सुन लो, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स। नाउ कमिंग टू द कॉमन कैरोटिड, द कॉमन कैरोटिड, देर आर टू कॉमन कैरोटिड आर्टरीज, राइट कॉमन कैरोटिड एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड इट इज डायरेक्ट ब्रांच फ्रॉम द आर्च ऑफ एओर्टा, ओके, एंड राइट कॉमन कैरोटिड इज द ब्रांच ऑफ ब्रेकियोसेफेलिक। गुड, थोड़ा फोकस तो है। Then this common carotid it terminates or it divides in the external carotid and internal carotid at where, जो मैंने already बता दिया आपको, each common carotid divides in the external carotid, internal carotid at the level of upper border of lamina of thyroid cord. This is the upper border of lamina of thyroid cartilage opposite to the intervertebral disc in the C3 and C4. C3 and C4 के बीच में interval disc है, लेकिन तुम इतना ही बता देना, द कॉमन कैरोटिड इट डिवाइड्स इन एक्सटर्नल कैरोटिड एंड इंटरनल कैरोटिड एट द लेवल ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ लेमिना ऑफ थायरॉइड कार्टिलेज। मैं याद रखूंगा ये चीजें, तुमसे पूछूंगा एक दिन, क्योंकि मैंने पढ़ाया, अब प्रैक्टिकल में पूछूंगा उस दिन, उस दिन ब्लैंक लुक दोगे, ये तो हमने पहली बार ही सुना है सर, क्या पूछ रहे हो। नाउ कमिंग टू द ब्रांचेज ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इट इज मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन द प्रैक्टिकल, टेल मी द ब्रांचेज ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, एंड समटाइम इट इज आज एज थ्योरिटिकल क्वेश्चन, टू मार्क्स क्वेश्चन आजकल आते हैं ना, टू मार्क्स क्वेश्चन, तो एन्यूमरेट दी ब्रांचेज ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, कई बार ये दो मार्क्स का क्वेश्चन आता है एंड प्रैक्टिकल में तो पूछा जाता है, क्लियर, और इन द योर MCQ क्वेश्चन। सो दिस इज द कॉमन कैरोटिड, दिस इज इंटरनल कैरोटिड एंड दिस इज एक्सटर्नल कैरोटिड, दीज आर डिवाइडिंग एट द लेवल ऑफ, हाँ देखो मैं ऐसे बुला रहा हूं, जैसे कल मैं देख रहा था वहां पे एक डीजे चल रहा है बहुत जबरदस्त फुल वॉल्यूम में, देन उसमें कुछ एक सॉन्ग चल रहा है, सडनली वो म्यूट कर देते हैं तो आगे की जनता ऑटोमेटिकली गाती है सारी, तो मैं भी ये पूछ रहा हूं ऐसे ही, इट डिवाइड एट द लेवल ऑफ साइलेंस अपर बॉर्डर ऑफ लेमिना ऑफ थायरॉइड कार्टिलेज। देखो वो अपन को जो चीज पसंद है वो तो फट से आती है, एंड ये थोड़ा सा स्लो मूड में आया। नाउ सी दिस इज द एक्सटर्नल कैरोटिड, मेनली एक्सटर्नल कैरोटिड इट सप्लाई द ब्लड सप्लाई इन द नेक रीजन एंड द फेस। नाउ सी द ब्रांचेस, इस तरह से याद रखोगे तो MCQ क्वेश्चन भी बनता है, एंटीरियर ब्रांचेस, मीडियल ब्रांचेस, पोस्टीरियर ब्रांचेस एंड टर्मिनल ब्रांचेस, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, टेल मी द ब्रांचेस, टर्मिनल ब्रांचेज ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, tell me the anterior branches of this external carotid artery, which is the posterior branches and which is the medial branch. Okay, so see the first artery of this external carotid artery, that is the superior thyroid artery, it supplies the thyroid. Okay, then see the medial branch, this is the ascending pharyngeal artery, ascending pharyngeal artery supplies the pharynx as well as some part in the टंग ऑल्सो, अभी पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे टंग, देखा था एक टॉन्सिलर ब्रांच, ये ब्रांच, एक डायग्राम इस तरह से, ठीक है, देन लिंगुअल आर्टरी, एंटीरियर ब्रांचेज, फेशियल आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी एंड सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी, दीज आर दी एंटीरियर ब्रांचेज, मीडियल ब्रांचेज, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, पोस्टीरियर ब्रांचेज, पोस्टीरियर ऑरिकुलर एंड ऑक्सीपिटल।
तो पोस्टीरियर को कैसे याद रखोगे, पोस्टीरियर पीओ, पोस्टीरियर पोस्टीरियर ओरिकुलर ऑक्सीपिटल, ओके पीओ, तो पोस्टीरियर ओरिकुलर एंड ऑक्सीपिटल, तो पोस्टीरियर ब्रांचेस, देन दी टर्मिनल ब्रांचेस, ये बहुत फेवरेट रहता है सभी का, टेल मी दी टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, दीज आर मैक्सिलरी आर्टरी एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, देन दिस दिस मैक्सिलरी आर्टरी इन इंफ्रा टेम्पोरल फोसा अगेन इट डिवाइड्स इन 15 ब्रांचेस, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, दिस इज योर बर्डन. नाउ सी दिस डायग्राम, कहां कहां सप्लाई कर रही है, सी दिस होल दिस रीजन इज द फेस रीजन, फेशियल आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी इज सप्लाइड द टंग, मेन मेन ब्लड सप्लाई ऑफ द टंग थ्रू द लिंगुअल आर्टरी. तुम्हारे एक क्वेश्चन में जा रहा हूं मैं, देखो यहां से लिंगुअल आर्टरी, ओके, देन सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी, थायरॉइड में भी इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी एंड सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी, एक एंटीरियर ब्रांच एक पोस्टीरियर ब्रांच, एंटीरियर एनास्टमोसिस पीछे की तरह जा रही है, ऐसे ऐसे होता है ना ऐसा, तो सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी, ओके, देन असेंडिंग फेरेंजियल, पोस्टीरियर ओरिकुलर, पीछे के बिहाइंड द ईयर पिन्ना सप्लाई एंड ऑक्सीपिटल रीजन में ऑक्सीपिटल आर्टरी. ऑक्सीपिटल आर्टरी कहां पे देखी थी हमने, अरे ऑक्सीपिटल ट्राइंगल, पोस्टीरियर ट्राइंगल है ना सब्जेक्ट में, है ना, इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड डिवाइड्स इन दी ऑक्सीपिटल एंड सबक्लेवियन, ऐसे मत समझो मैं सब कुछ बेकार पढ़ा रहा हूं, कल के उसमें भी आते हैं सारी चीजें, ओके, सो ऑक्सीपिटल ट्राइंगल इट इज नोन एज ऑक्सीपिटल बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीपिटल आर्टरी, दैट इज द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड, पोस्टीरियर ब्रांच, देन टर्मिनल ब्रांचेस दी superficial thyroid, superficial temporal and maxillary artery, and this area is the infratemporal fossa. Infratemporal fossa again a topic of your this test. Isme ja karke ye divide hoti hai at the lateral pterygoid ke lower head se, first part, second part and third part, then first meda muscular artery and pig pass. Ab ye tum dhoondo kya hai. Now, the main venous drainage, it is by the internal jugular in the neck region. ठीक है? So, see, this internal jugular, it begins as the continuous of sigmoid sinus. अपन ने cranium देखा था बेटा अंदर से? दोनों साइड में sigmoid sinus आ रहे हैं. ठीक है? कहां से? Jugular foramen के नीचे sigmoid sinus, it will continue as internal jugular. तो jugular foramen तो तुम्हारे subject में है, वो again anterior, middle and posterior. तो posterior part of this sigmoid, this jugular foramen, it will continue down as internal jugular. Middle one it is related to the 9th, 10th and 11th cranial nerve. And first part inferior petrosal sinus. ये तो तुम्हारे practical में है. Okay, now it terminate as कैसे terminate करेगी ये? This internal jugular, it will join the subclavian vein to form the brachiocephalic ring, brachiocephalic vein. And both side of the brachiocephalic vein, they will join and form the superior vena cava. जब हम heart पढ़ेंगे उस समय, जब तुम्हें पूछा जाएगा कि ये superior vena cava कैसे बनी, तो both side of the brachiocephalic veins they join. But brachiocephalic vein formation कैसे हुआ? Internal jugular and subclavian vein. Okay. Now, the tributaries of the internal jugular. बस एक बार सुनते चलो, तुम्हारे लिए फायदा है आगे के लिए. First, see this is right sigmoid sinus and this is left sigmoid sinus. Okay. So right sigmoid sinus, it will continue as internal jugular. Okay. Then first, कई बार MCQ में पूछते हैं कि which is the first tributaries and last tributaries of internal jugular vein. The first tributary, it is inferior petrosal sinus. Okay? उसके बाद में pharyngeal vein, common facial vein, occipital vein, lingual vein, superior thyroid vein, middle thyroid vein and at the last one lymphatic duct, large lymphatic duct, that is the thoracic duct. So, इसकी दो टर्मिनल जो ट्राइब्यूटरी है दैट इज द थोरेसिक डक्ट. फर्स्ट इज द इंफीरियर पेट्रोजल साइनस, देन लास्ट इज
thoracic duct. Okay? Yeah, this one. So these are the tributaries of internal jugular vein. Okay? कहां से स्टार्ट हुई? जुगुलर फोरामेन के डाउन से सिगमेंट साइनस कंटिन्यू एज इंटरनल जुगुलर, देन इंटरनल जुगुलर इट विल जॉइन द सप्लेन वेन, फॉर्म द ब्रेकियोसेफेलिक वेन, एंड इन द ब्रेकियस बोथ साइड ऑफ द ब्रेकियोसेफेलिक वेन दे जॉइन एंड फॉर्म द सुपीरियर वेना केवा. ओके, एंड सुपीरियर वेना केवा इट एंटर्स इन द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम. ओके, ठीक है. तो ये सेम है जो मैंने तुम्हें अभी बताया. ओके, कंटिन्यूशन है, सिग्मोइड साइन है, जॉइंट सप्लेन वेन, ब्रेकियोसेफेलिक वेन, ये ब्रांचेस. बट इसका क्लिनिकल क्या है इंप्लीकेशन? हम लोग इंटरनल जुगुलर को कैंडुलेशन करते हैं. जब आप आईसीयू में ड्यूटीज करेंगे, जब आप देखेंगे सप्लेन वेन एंड इंटरनल जुगुलर इसको यूज करते हैं. ठीक है, नाउ दी lymphatic drainage of the head and neck. Again, lymphatic drainage of the head and neck, it is very very important for clinical point of view. Whenever the carcinoma in the tongue, oral cavity or the neck region, so lymphatic drainage आपको पता होना चाहिए. अभी तो सोच रहे हम तो सर फर्स्ट ईयर MBBS हैं, एनाटॉमी पढ़ लें वही बड़ी बात, लेकिन जब तुम ENT onco surgeons बनोगे ना, तभी lymph node ढूंढोगे एक एक करके. carcinoma cancer हो जाएगा किसी को तो आपको यू हैव टू रिमूव ऑल दी लिम्फ नोड्स. ओके, फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द हेड एंड नेक इट इज अगेन थ्योरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, वो सारे थे किसके लिए? प्रैक्टिकल में पूछने के लिए. अब तक जो मैंने पढ़ाया है ये थ्योरी में आ जाता है. सो अराउंड टोटल 800 लिम्फ नोड्स इन आवर बॉडी, इनमें से 300 in the head and neck region. Okay, and these lymph nodes, they are divided in the two groups, peripheral group and the deep or the terminal group. Okay, peripheral group and terminal group. And again, this peripheral groups, they divide in the outer circle and the inner circle. So the in the outer circle you will see लिम्फ नोड्स. सबको पता है यहां से स्टार्ट करोगे, सब मेंटल लिम्फ नोड यहां पे है सभी के, देन सब मैंडुलर लिम्फ नोड, ठीक है, पोस्टीरियर ओरिकुलर लिम्फ नोड्स, देन ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स. ठीक है, अब देखो इसमें दीज आर दी सब मेंटल, सब मैंडुलर, प्री ओरिकुलर कौन से हैं? प्री ओरिकुलर जो पैरोटिड में देखे थे आपने, पैरोटिड के ऊपर देखे थे. ठीक है, तो प्री ओरिकुलर, पोस्ट ओरिकुलर, बिहाइंड द ईयर पिन्ना एंड ऑक्सीपिटल, दीज आर पेरिफेरल लिम्फ नोड्स इन द आउटर सर्कल. ओके, आउटर पेरिफेरल के अंदर, आउटर एंड इनर सर्कल में. सो दीज आर दी, ये डायग्राम बना देना है. यदि लिम्फेटिक ड्रेनेज का क्वेश्चन आता है तो ये डायग्राम भी बना सकते हो. लिखने का टाइम नहीं है तो ये बना दो, हो जाएगा बेड़ा पार तुम्हारा. सो दिस इज द सबमेंटल, सबमेंडुलर, प्री ओरिकुलर, सुपर ओरिकुलर, दीज आर प्रेजेंट इन सुपरफिशियल टू द पैरोटिड ग्लैंड, देन पोस्ट ओरिकुलर इन द मेस्टोइड रीजन. ओके, देन ऑक्सीपिटल नोड्स, ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में भी देखा था हमने, ऑक्सीपिटल नोड ऑक्सीपिटल आर्टरी के आसपास. ठीक है, सो दीज आर द आउटर सर्किल एंड इनर सर्किल. इनर सर्किल में कौन कौन से है? यहां पर देखो, प्री ट्रेकियल, प्री लेरिंजियल, ठीक है, पैरा ट्रेकियल, ट्रेकिया के साइड में, ट्रेकिया के सामने प्री ट्रेकियल, ट्रेकिया के साइड में पैराट्रेकियल, रिट्रोफेरेंजियल, फेरिंग्स के पीछे देखा था आपने, फेरिंग्स में अपनी स्पेसेस पढ़ रहे होंगे अब, रिट्रोफेरेंजियल स्पेस, स्पेस ऑफ जिलेट, ये पढ़ रहे हो ना तुम लोग, है ना टॉपिक में फेरिंग्स, तो ये वहां पे लिम्फ नोड्स हैं, रिट्रोफेरेंजियल बिहाइंड दी फेरिंग्स, रिट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड्स. सो दीज आर दी टू सर्किल्स, आउटर सर्किल एंड इनर सर्किल, दीज आर दी पेरिफेरल लिम्फ नोड्स in the head and neck region. Okay, then deep lymph nodes, they are jugulodigastric and jugulohomohoid. Okay, jugulodigastric, these are the above the homohoid, these are the jugulodigastric and jugulohomohoid, just near to the homohoid.
So these are the two, and they are mainly related to the internal jugular. अपने देखा था कि posterior triangle में भी देखा था कहाँ कहाँ थे lymph node. एक तो sternocleidomastoid को posterior border पे थे. मैंने बोला कई बार हम लोग biopsy करते हैं तो we may injure the spinal accessory, and around the spinal accessory भी हम lymph node देखे थे. Okay? Now see this table. Cervical lymph node 300 around peripheral and deep nodes. The outer groups submental, submandibular, superficial parotid. These are the preauricular, postauricular, mastoid and occipital. Inner group again lymph node. It is infrahyoid, pre-laryngeal, pre-tracheal, paratracheal and retropharyngeal. Deep lymph nodes are jugulodigastric lymph node and jugulo-omohed. And it is also known as the superior and inferior deep nodes. In the inferior lymph nodes, there are some lymph nodes, they are present in the posterior triangle, in the subclavian triangle, the part of subclavian triangle. These are known as Virchow nodes, supra, अरे कैसे भूल रहे हो, कल ही आना है तो, posterior triangle. है ना, सबक्लेवियन ट्रायंगल के अंदर देखा था विचो नोड्स, लिम्फ नोड्स. भाई बुरा हाल है, नहीं तो पता ही नहीं है तुम्हें तो विचो नोड्स का. यस, स्टमक कार्सिनोमा स्टमक सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स ऑन द लेफ्ट साइड व्हेनेवर इट इज रिलेटेड टू द मेटास्टेटिक कार्सिनोमा ऑफ द स्टमक. सम टाइम इट इज ओवरी एंड द टेस्टिस आल्सो, सो दे आर नोन एज विचो नोड्स. ओके, एकदम ब्लैंक चल रहा है मामला. देन क्लिनिकल इंप्लीकेशन, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, एनी इन्फेक्शन इन द सर्वाइकल रीजन देर विल बी एनलार्जमेंट ऑफ दीज लिम्फ नोड्स. ठीक है, दैट इज द सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी. एंड समटाइम अपने खासकर अपने इंडिया के अंदर सबसे कॉमन डिजीज कौन सी है, ट्यूबरक्लोसिस, तो ट्यूबरकुलर लिम्फेडिनाइटिस भी होता है. ओके, देन अभी फॉर द क्लिनिशियन, फॉर द ईएनटी सर्जन और दी नेक सर्जन जो हेड एंड नेक को सर्जरी करते हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक डिसेक्शन ऑफ द नेक. उनको क्या करना पड़ता है, जब मेटास्टेसिस होता है तो उनको ब्लॉक डिसेक्शन करना पड़ता है इसका. एंड फॉर दी ओरल कैविटी कार्सिनोमा देयर इज वन ऑपरेशन नोन एज कमांडो ऑपरेशन. ठीक है, वो भी उसके दौरान भी लिम्फ नोड्स को निकालते हैं एंड सम पार्ट ऑफ दी मैंडिबल एंड दी ओरल कैविटी इन दी कमांडो ऑपरेशन. ठीक है, रेडिकल नेक डिसेक्शन में जो भी इनको मसल वसल निकालनी है, जो भी इंटरनल मेनली इंटरनल लिम्फ नोड्स अराउंड द इंटरनल जुगलर, उनको रिमूव करते हैं. ठीक है, क्यों रिमूव करते हैं यार, मैं लिम्फ नोड निकालते हैं कार्सिनोमा क्यों बोल रहा हूं ऐसा. मेटास्टेसिस लिम्फेटिक्स के थ्रू ज्यादा फैलता है. ठीक है, नाउ सी दिस ब्लॉक डिसेक्शन ऑफ द नेक एंड द कमांडो ऑपरेशन. For the treatment of cancer of the head and neck region, most of the cervical lymph nodes are surgically removed in block dissection of the neck, especially which lies along the internal jugular. Okay, especially which lies along the internal jugular and sternocleidomastoid muscle, the posterior border of the sternocleidomastoid muscle. वहाँ पे spinal accessory के around भी है, है ना? The part of mandible and oral cavity, it is removed in case of the commando operation for the treatment of the oral cancer. यदि oral cancer किसी को हुआ है, वो होते ना जुबा केसरी वाले, है ना? वो आते हैं, आज से मैं भी जुबा केसरी हूँ. आते ना, हमेशा लेट आता है, तो वो आता है, आज से मैं भी जुबा केसरी बोलता हूँ, है ना? ओके, तो वो जुबा केसरी वाले वो खुद तो खाते नहीं है, हमारी यूथ को बिगाड़ते हैं. खाओ तो ठीक है, लेकिन जब गाड़ी चला रहे तो ठोकोगे कहां. फिर ऐसे गेट खोलेंगे चलती गाड़ी में, करते हैं ऐसा. कितना डेंजर मोल ले रहे हैं वो लोग अपनी फैमिली को, खुद को. फिर आगे जाके ट्रक होता है, ठुक जाएगा. ठीक है ना, तो एक तो ये नुकसान, देखो थूकने की जगह नहीं मिलती इनको. ठीक है, दूसरा
कॉर्नर्स नहीं मिलते जिनमें थूक सके, जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं आजकल। पहले तो जितने भी कॉर्नर थे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के या हॉस्पिटल्स के सारे रेड होते थे, उनपे रेड ऑक्साइड करने की जरूरत ही नहीं थी, वो खुद ही कर देते थे, आए जो इसमें थूक रहा है। ठीक है, सो दीज जुबा केसरी एंड जितने भी हैं उनमें क्या होता है, ओरल कैंसर के चांसेस होते हैं और दी टंग कैंसर, कार्सिनोमा टंग पढ़ा है बेटा तुमने, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द कार्सिन टंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड थ्योरिटिकल ऑल्सो। मिड लाइन कैसे ये दोनों तरफ चला जाता है पढ़ा है? ओके, टंग में टंग का डेवलपमेंट, टंग की नर्व सप्लाई एंड द लिम्फेटिक ड्रेनेज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ सी दी लेवल्स, दीज ऑल दी लिम्फ नोड्स, इनका क्या है लेवल्स है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल एंड सिक्स्थ लेवल एंड सेवंथ लेवल। ये सर्जन के लिए इंपॉर्टेंट है वेरी। तो कैसे कैसे हैं, इसके अलावा भी कुछ क्लिनिकल इंप्लीकेशन है फॉर द लिम्फेटिक। थोरेसिक डक्ट हमने देखा था कहां पे इंटरनल जुगलर है, सबक्लेवियन वहां पे एंटर हो रही है। तो इन द नेक रीजन वेन एवर द सर्जन डू सर्जरी इन द नेक रीजन, समटाइम इट इंजर द थोरेसिक डक्ट, थोरेसिक डक्ट को इंजर कर दिया, उसको पंचर कर दिया, क्या हो थोरेसिक डक्ट, थोरेसिक डक्ट फिस्टुला बन जाएगा, लीकेज होगा लिम्फेटिक लिम्फ का इन द नेक रीजन। ओके, दैट इज द थोरेसिक डक्ट फिस्टुला। समटाइम द थोरेसिक डक्ट इट इज ब्लॉक्ड बाय द वन बैक्टीरिया दैट इज नोन एज क्या, वुचेरिया बैंक्रोफ्टाई। ओके, यदि इसने नेक थोरेसिक डक्ट को यदि इसने ब्लॉक किया है तो यहां पे ये क्या होगा, ये पैरासाइट है, तो इसके कारण क्या होगा, ये एनलार्ज हो जाएगा, वहां पे स्वेलिंग हो जाएगी। यदि लोअर लिम्ब में ऐसा हो जाता है, लिम्फेटिक ब्लॉक हो जाती है, एलिफेंटियासिस, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाथी पांव। आजकल नहीं मिलते हैं ऐसे केसेस, बट पुराने जमाने आप गांव में देखो एक आधा केस मिल जाएगा तुम्हें, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस लिम्फेटिक्स दे आर ब्लॉक्ड बाय दी मेनली पहले के जमाने में ये उचेरिया बैंक्रोटाइज से होता था, बट नाउ अडेज मेटास्टेसिस यदि कोई मास है उसको कंप्रेस कर रहा है तो भी ब्लॉक हो जाएगा। सो इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ थोरेसिक डक्ट इन द नेक रीजन, इट इज बाय द ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एज मेलिग्नेंसी और द उचेरिया बैंक्रोफ्टाई। नाउ सर्जिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्वाइकल नोड्स, द सर्जन क्लासिफाई द सर्वाइकल नोड्स इंटू द सेवन ग्रुप्स, इंटू द सेवन ग्रुप्स। विच आर द सेवन ग्रुप्स, द फर्स्ट ग्रुप इट कंसिस्ट ऑफ द, यहां पे कौन कौन से थे बेटा, सबमेंटल एंड सबमेंडिबुलर। ठीक है, वो लेवल्स बोलते, जब तुम सर्जरी में जाओगे तुमसे बहुत ये पूछा जाएगा उस समय, टेल मी दी एनाटॉमी पढ़ा है तुमने, फर्स्ट इनिशियली तुमसे पूछा जाएगा, अच्छा बताओ इसके, बताओ कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं लिम्फ नोड्स के। तो फर्स्ट ग्रुप कौन कौन से, सबमेंडिबुलर एंड सबमेंटल। देन सेकेंड ग्रुप्स, नोड्स अराउंड दी अपर पार्ट, यहां से इंटरनल जुगलर आ रही है, जुगलर फोसा से नीचे की तरफ यहां तक आती है, देन इट एंटर्स इन दी सबक्लेविन से ज्वाइन करेगी, देन ब्रेकियोसेफेलिक में जाएगी। तो दिस यहां पे होगी फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड सॉरी सुपीरियर अपर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड दी लोअर पार्ट ऑफ द इंटरनल जुगलर। इसके अराउंड लिम्फ नोड्स है, यदि अपर पार्ट वाले से रिलेटेड लिम्फ नोड्स है, दे आर दी सेकेंड लेवल। ठीक है, अपर पार्ट एंड इसी एरिया में स्पाइनल एक्सेसरी भी है, दे आर दी सेकेंड लेवल। थर्ड लेवल कहां पे है, यहां पे नोड्स अराउंड द मिडिल पार्ट ऑफ इंटरनल जुगलर, यहां पे। फोर्थ पार्ट, दीज आर दी जुगलो ओमोहाइड, थर्ड पार्ट में जुगलो ओमोहाइड एंड फोर्थ पार्ट में इट इज रिलेटेड टू लोअर पार्ट ऑफ इंटरनल जुगलर, यहां पे फोर्थ पार्ट के अंदर। बट यहां पे देखो फिगर में गलत लिखा है कुछ, ये भी सिक्स है, ये भी सिक्स है, ये फोर लिखना गलती हो गया इससे, ये किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए था, आई क्या बोलते हैं रोमन में, है ना, यहां भी सिक्स लिखा है, यहां इधर फोर लिखा है, इधर सिक्स लिखा है, बट ये फोर कहां है, यहां है सिक्स इधर, ये क्लेरिकल मिस्टेक है। ओके, तो दिस इज द फोर्थ स्टेज ऑफ सर्वाइकल नोड्स। ठीक है, फोर्थ में यहां पे कौन से बताए थे मैंने, सुप्रा क्लेविकल नोड्स, सबक्लेविन ट्रायंगल में कौन से नोड्स हैं, विच ओ नोड्स, दो सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स, दे आर दी फोर्थ स्टेज। ओके,
देन फिफ्थ स्टेज, फिफ्थ नोड्स ये कौन से है? पोस्टीरियर ट्रायंगल वाले, ऊपर वाले ऑक्सीपिटल नोड्स वगैरह वगैरह, एंड अलोंग द स्पाइनल एक्सेसरी, ठीक है. देन सिक्स्थ मिडिल सर्वाइकल, ये जो फोर्थ लिखा है ये सिक्स्थ है. यहां वाले कौन कौन से थे यहां पे? प्रीट्रेकियल एंड पैराट्रेकियल लिम्फ नोड्स थे ना यहां पे. अपने अभी सर्किल पढ़ा ना, एक पेरिफेरल लिम्फ नोड्स, आउटर सर्किल, इनर सर्किल, इनर सर्किल वाले प्रीट्रेकियल एंड पैराट्रेकियल. रात भर बहुत पढ़ाई करी, नींद आ रही है जबरदस्त, सारे सारे ऐसे ऐसे. अब दो दिन में हम सारा पहाड़ तोड़ेंगे, मैं देख रहा हूं बहुत से एकदम नींद में. चलो आज मैंने छूट दे रखी, लेकिन कोई बात नहीं, बस साइलेंटली बैठे रहो, सुनते रहो, ठीक है. नहीं मेरी नजर में सारे हैं, ऐसा नहीं है कोई है नहीं. लेवल सेवंथ, लेवल सेवंथ नोट्स आर नोट्स इन दी सुपीरियर मीडिया स्टेनम. ओके, सुपीरियर मीडिया स्टेनम के अंदर जो नोट्स हैं, दीज आर